Hello guys, my name is Rasal Singh Mann. I'm All India Rank 67, NEET 2017, and right now I'm studying in Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया अभी लास्ट महीना रह गया है, कैसे पढ़ाई करनी है, हमारे बोर्ड दे गए, हम थक गए हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा नीट देने का. यार तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार तुम्हारे मार्क्स जितने आ रहे हैं दैट डजेंट मैटर मच. तुम्हारे जो अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लाइक बच्चों बच्चे बता रहे हैं कि हमारे 580 मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग डिप्रेस हो गए हैं, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, हमें मिनिमम 620-630 मार्क्स चाहिए नहीं तो हमारा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, एक साल ड्रॉप. मतलब बच्चों ने हार मान ली ऑलरेडी, 30 दिन बाकी, फिर पहले ही तुम लोगों ने हार मान ली है. एंड भैया लाइक पिछले साल हमें मिनिमम 640 चाहिए मार्क्स. यार एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था. पेपर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे मार्क्स, तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए. अगर लाइक पेपर जब बहुत ईजी है तो यार रिक्वायर अराउंड 640-650 आ भी जाएंगे मार्क्स, तुम्हारे आ भी जाएंगे. पर अगर पेपर हार्ड आएगा तो बच्चों के मार्क्स आएंगे अराउंड 585-590-620-630, उसके आसपास मार्क्स आएंगे. बच्चे बता रहे हैं कि भैया हम लोग बोर्ड दे चुके हैं, थक चुके हैं, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह सेम फेज के थ्रू गया, सेम फेज में गया था लास्ट ईयर जब मैंने पहली बार नीट दिया था, बोर्ड्स का एग्जाम दिया था, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, पढ़ने का मन नहीं करता था. हम लाइक यार इतनी पढ़ाई कर लिए, थक गए हैं, ठीक है. तो यार मैंने बोर्ड जब मैंने अपना पहली बार नीट दिया था तो यार मतलब अपनी फुल ताकत नहीं दिया था. पर यार फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार मैं एक महीना और पढ़ लेता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था. मेरी रैंक जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था, मेरी रैंक अराउंड 3000 आई थी, कॉलेज वगैरह मिल गए थे, तब रियलाइज़ हुआ था यार एक महीना और पढ़ लेता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता. तो यार मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी दो महीने तुम्हें बस जान लगानी है. एक है एक महीना तुम्हारे नीट के लिए, एक महीना तुम्हारे एम्स के लिए. उसके जितनी पार्टी करनी है पार्टी कर लेना, बाहर घूमने जाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, डिफरेंट सिटी एक्सप्लोर करना, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलना, ये सब मजे जो तुम अपने 2 साल में नहीं कर पाए हो तब कर लेना. पर यार अभी टाइम नहीं है, ठीक है, अभी गिने चुने दिन रह गए, अभी टाइम नहीं है, अभी पूरी जान लगा लो, फोकस कर लो. दूसरी चीज़ें लाइक बोलते भैया क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं कोचिंग में बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं, 710-715 आ रहे हैं, हमारे मार्क्स आ रहे हैं 580-590 मार्क्स आ रहे हैं. यार मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, मैं लास्ट ईयर मैं एलन कोटा में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो यार मेरे कभी भी 530 से ज़्यादा मार्क्स नहीं गए कभी भी, ठीक है. पर लाइक मैंने एंड तक पढ़ाई की, ठीक है, एंड तक. जब गेट मतलब जब मैं तुम्हें बताता हूँ, गेट खुलने वाला था एंट्री सेंटर का, जहाँ पर हमारा था वहाँ पर गेट खुलने वाला था, मैं मम्मी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था. जब तक गेट खुला तब तक मेरे हाथ में एनसीईआरटी थी, तब तक मैं पढ़ रहा था, ठीक है. तब तक तुम्हें पढ़ना है, एंड तक तुम्हें पढ़ना है, ताकि तुम्हें लास्ट में बुरा ना लगे यार कि यार मैं पढ़ सकता था, मैं एंड में ऑफर डाल सकता था, मैं थोड़ी देर ऑफर सकता पर मैंने नहीं पढ़ेगी, ये नहीं होना चाहिए यार. तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे कोचिंग सेंटर में उतने नहीं मैटर करते, ठीक है. मेरे कुछ लोग वो भी थे क्या कहते हैं दोस्त जो यार क्या कहते हैं जिनके मार्क्स आ रहे थे 710-715 आ रहे थे मार्क्स, पर लास्ट में देखिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गया यार कि हमारे मार्क्स आ रहे थे, पहले घबराए हुए थे हमारे मार्क्स भी आ रहे हैं तो यार हम लोग किसी तरह निकल जाएंगे. या फिर उनकी जब लिस्ट आई मार्क्स आए तो देर लाइक 610-620 उनके मार्क्स आए थे, तो यार फिर उनका नहीं हो पाया मेडिकल कॉलेज में, जिनके जिसमें वो जा सकते थे, आराम से जा सकते थे अगर एंड तक पढ़ाई करते. एंड फिर वो हैं जो है डर के बैठे हुए, जिनके लाइक अभी मार्क्स आ रहे होंगे 540-550 मार्क्स आ रहे होंगे, वो लोग लाइक यार हम लोग 600 क्रॉस नहीं कर पा रहे, ठीक है, हमारा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया. अभी से तुम्हारे पास आधा एक महीना बाकी है एंड तुम लोगों ने अभी से हार मान लिया, ठीक है, अभी से प्लान बना लिया कि अगले साल इस साल वापस ड्रॉप लेंगे, अगले साल मेडिकल कॉलेज क्लियर करेंगे. यार इस मेंटालिटी से अगर तुम एग्ज़ाम देने वाले हो तो यार कोई फायदा नहीं है. एंड तक तुम्हें जोश लगाना है, दम लगाना है, ताकि तुम ये रिग्रेट ना करो यार कि पेपर अगर इजी आ गया तुम फिर रिग्रेट करते रहोगे यार कि मैं काश थोड़ा सा और पढ़ लेता. बहुत सारे लोगों का मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इनके साथ जिन्हें ये रिग्रेट फेस किया कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेता, एक महीना और पढ़ लेता, 10 दिन और पढ़ लेता, काश पढ़ लेता. उसके बाद लाइक बच्चे बता रहे हैं कि भैया लाइक एक महीना बाकी है, कैसे पढ़ाई करें, क्यों करें. मैं बता, मेरे एक स्टूडेंट कहते जूनियर है मेरे स्कूल का था, उसने अब की वो बोलता भैया कि मेरी केमिस्ट्री बायो ठीक है, मैंने अभी फिजिक्स की बुक ली है GRB, तो मैं पूरे महीने GRB की बुक पढ़ूंगा एंड क्या कहते हैं नीट पर ड्रॉप आ दूंगा. मैंने बोला पागल, ठीक है, तूने 2 साल खिस खिस के मेहनत लगा के नोट्स पढ़े बनाए हैं, अभी बारी है नोट्स पढ़ने की. मैं नहीं बोल सकता तू तो बुक नहीं पढ़ पाएगा, मेरे अभी बारी नोट्स पढ़ने की, पूरी जोश लगा नोट्स पढ़ने में. ये क्योंकि देख कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक सिंपल सा रूल है, जो चीज़ तुम एंड में रिवाइज नहीं कर सकते हो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात ध्यान से रख लेना दिमाग में. वो चीज़ तुमने 2 साल अपनी मेहनत की, कोचिंग सेंटर गए हो तो यार अभी
वो सब चीज़ें पढ़ो, अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ो जो तुम्हारे टीचर ने दिए हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए थे उनको रिवाइज करो, ठीक है? तो ये अभी तुम्हें ये सब करना चाहिए। सेकेंड चीज़ मैं तुम्हें क्या बोलूँगा कि यार कैसे लास्ट महीने में कैसे पढ़ाई करनी है। फर्स्ट चीज़ है तुम्हें फिजिक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है? मतलब मेरा जो हार्ड सब्जेक्ट होता है मैं कहता हूँ हार्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करो, उसके बाद थोड़ा सा ईजी सब्जेक्ट, एंड मेरे बायो ईजी होता तो बायो लास्ट में कर सकता हूँ, बायो लास्ट में करता था। तुम्हारे पास 30 दिन में इस पर तुम्हारी 2 रिविजन आराम से हो जाएगी। पहली रिविजन थोड़ी सी थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा, 15-16 दिन लगेंगे, क्योंकि यार स्पेशली फॉर पीपल हु आर जस्ट गिव द बोर्ड्स, क्योंकि यार बहुत देर से रिवाइज नहीं किया था उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यार पहला हफ्ता पहले 2-3 हफ्ते निकलेंगे यार कि थोड़ा लग रहा है, टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, पर मैं तो बता रहा हूँ फर्स्ट रिविजन थोड़ी हार्ड जाएगी, सेकंड रिविजन तुम्हारी बहुत फास्ट जानी है, आराम से हो जाना है, ठीक है? तो यार मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, फिजिक्स मैं निपटा लिया था 10 दिन के आसपास, उसके केमिस्ट्री हो गई थी 3-4 दिन में, फिर बायो भी 2-3 दिन में हो गया था। तो यार पर 2 रिविजन तुमने मारनी है, ठीक है? कुछ भी हो जाए मारनी है। एक और चीज़ मुझे बच्चे बोलते हैं भैया कि अभी इतने नोट्स इतने ज़्यादा हैं क्या करें, लाइक सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। या मैं तुम बता रहा हूँ तुमने 2 साल में इतने सारे पेपर दिए हैं, इतने सारे तुमने MCQ सॉल्व किए हैं, अगर तुम लास्ट में सॉल्व नहीं करोगे तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? बताओ ये नहीं कि तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता है, पर लाइक यार एक स्पीड होती है, स्किल होती है, वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। मैं तुम बता रहा हूँ, जब मैंने अपने नीट का पेपर दिया था तो मेरा नीट का पेपर ख़त्म हो गया था रफली इन 2 आवर्स 30 मिनट्स में ख़त्म हो गया था, क्योंकि यार जैसे ही मैंने क्वेश्चन पे देखा था मैंने क्वेश्चन पे अटैक किया था, क्योंकि तुमने सारे क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है? तुम्हारे पास स्किल है, फॉर्मूलाज रिवाइज किए हुए हैं, तो यार तुरंत फिंगर टिप में आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम अगर तुम किसी बंदे को पूरा दिन दे दोगे, ठीक है, कोई बच्चा पेपर पूरा क्लियर कर लेगा। बात है स्पीड की और एक्यूरेसी। तो जो भी तुम टॉपिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़ रहे हो, या इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करते रहो, ये नहीं कि तुम पूरी MCQ लाइक खोल के बैठ गए हो, या पर थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे तुम्हारी मॉड्यूल होती है एलन की मॉड्यूल, आकाश की मॉड्यूल, उसके ही क्वेश्चन रिवाइज करो, ठीक है? ताकि वापस एज रहे। वो बात अलग है कि लाइक 2.5 आवर था लास्ट में, आधा घंटा बाकी था, तो लाइक 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे तुक्के में मार दिए थे, नहीं तो मेरी रैंक और टॉप 10 या टॉप 20 होती, वो बात अलग है। पर छोड़ो बात उसकी नहीं कह रहा, बात कह रहा हूँ कि तुम्हें यार क्वेश्चन अभी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करनी, ये नहीं मैं ये नहीं कहूँगा एक्सेस में करो जो तुम 11th 12th में 2 साल कर रहे थे, पर थोड़े बहुत टच में रहने चाहिए क्वेश्चन के। दूसरी चीज़ बात आ गई है कि टेस्ट पेपर की। तो भैया लाइक भैया बोलते हैं कि टेस्ट पेपर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोचिंग के टेस्ट पेपर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमें घबराहट से फील होती, तो हम टेस्ट पेपर करेंगे नहीं। यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर दिन अभी 30 दिन है, हर दिन एक ना एक टेस्ट पेपर होना चाहिए। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, या तो वो टेस्ट पेपर करो जो तुम्हें कोचिंग सेंटर दे रहे हैं। हर दिन एक ना एक क्वेश्चन पेपर तुम्हें करना है सॉल्व। अब फिर वो पूछते हैं भैया किस टाइम पे कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व, लाइक भैया हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 10 बजे के आसपास, तो हम 10 बजे एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो यार ये मेरे लिए कतई गलत था, ठीक है? मैं इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता था। मैं कहता था यार जब तुम सुबह उठ रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पूरा सुबह का टाइम डिवोटेड होना चाहिए रिविजन पे, थ्योरी की रिविजन, फॉर्मूलाइज याद करने, NCERT के टर्म्स याद करने, केमिस्ट्री के रिएक्शन याद करने, इन पर डिवोटेड होना चाहिए। रात को तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है, लाइक 9 बज जाते हैं, तो यार जब तुम्हारी पूरी चीज़ की दिन की पढ़ाई हो चुकी है तब जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो 2-3 घंटे। तो पर यार दिन पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्यों यार? क्योंकि यार थक जाते हैं। अच्छा तुम एक दिन क्वेश्चन पेपर बैठ के देते हो, तुम क्वेश्चन पेपर देते हो सुबह, देते हो, थक जाते हैं, फिर लाइक यार लगता है कि क्वेश्चन पेपर कर लिया, ठीक है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, फिर कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो पाता है, नहीं पढ़ पाते। रिविजन तब करो जब तुम्हारे पास क्या कहते हैं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हाइस्ट हो। क्वेश्चन पेपर तब करो जब थोड़ी सी लेट हो चुकी है, रात की देर हो चुकी है। तुम्हें क्वेश्चन रटने नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए कि यार मैंने ये पढ़ चुका है। आप दूसरी चीज़ बात आ जाती है कि क्या कहते हैं लोग बोलते हैं कि भैया अभी क्या कहते हैं लास्ट के महीने आ गए, घर में गर्मी का मौसम आ गया है, थकावट से फील होती है। या मुझे पता है ये जब मैं मुंबई में गया था इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है, पसीना आता है, पढ़ने का मन नहीं करता, थक जाते हैं यार। पर तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई एफर्ट नहीं डाल सकता। तुम्हें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे नीट क्लियर करना है। यार 2 साल इतनी मेहनत की, 1 महीना और लगा दो, आराम से 1 महीना और निकाल दो यार, तुम्हें पता चलेगा यार। यार और कुछ नहीं तो अपने आप को सेटिस्फाई करना यार कि मैंने पूरा एफर्ट डाला। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इतने सारे लोग सुसाइड कर देते रिग्रेट में, मैं बता रहा हूँ। मैं जब मैं कोटा में था तो मेरे बैच के 2-3 बच्चे, मतलब मेरे बैच में 1 बच्चे ने, पर बाकी बैच में 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। उनको 2-3 साल से हो नहीं पाया था, एंड स्ट्रेस के कारण कि यार इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो यार उस स्ट्रेस के कारण बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। मैं नहीं चाहता तुम इस सेम फेज के थ्रू जाओ, ठीक है?
जो तुम स्ट्रेस तुम्हारा माइंड क्रिएट करता है, तुम्हारा माइंड जो स्ट्रेस करता है तुम खुद ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है, तुम स्ट्रेस लोगे नहीं तुम कौन स्ट्रेस देगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है यार, उन बच्चों से दूर रहना। ठीक है, जैसे मेरे कुछ दोस्त होते थे, ठीक है, दे लाइक कि यार हमने मतलब पढ़ाई भी नहीं की होती पर दे लाइक कि हमने 2-3 रिविजन मार चुकी है, ठीक है, एंड वो तुम्हें स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं, उनसे यार दूर रहना। तुम्हें कैसे पता कि यार उसने कितनी रिविजन मारी है और किस तरीके से मारी है, पूरी एफर्ट के साथ मारी नहीं मारी, उसको कुछ याद है नहीं याद है, तुम्हें कैसे पता। एंड फिर तुम्हारे दूसरे दोस्त होते हैं, क्या कहते हैं वो लाइक यार हमने कुछ पढ़ाई मतलब पढ़ा उन्हें सब कुछ होता है, फिर हमने कुछ पढ़ाई नहीं होता, बोलते हैं हमने कुछ पढ़ाई नहीं है, ठीक है, कुछ प्रिपरेशन नहीं चल रही है, तो फिर तुम उनको देख के रिलैक्स हो जाते हो यार कि इसका भी नहीं पढ़ा तो यार मैंने तो इसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, मेरा तो हो जाएगा इसका नहीं पाएगा, तो तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। वैसा नहीं होना चाहिए, पूरे फोकस तुम्हें अभी इस ड्यूरेशन में आइसोलेटेड रहना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, फोकस मोड में रहना चाहिए। ठीक है, ये मत देखो दूसरा क्या पढ़ रहा है, कितने मार्क्स आ रहा है, अपने पे फोकस करो। ठीक है, जो तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो उसमें जो क्वेश्चन गलत कर हो रहे हो उसको रिवाइज करो, ये मत फलाना ढिमकाना, ये बुक्स मत पकड़ो। ठीक है, अभी हाँ लास्ट मिनट में, एंड उसके बाद बात आती है कि यार डेली का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। यार अभी तुम देखोगे यार, तो मैं कहता हूँ 14-15 घंटे से तुम्हें कम पढ़ाई नहीं करनी है, 30 दिन 14-15 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी करनी, तुम किसी भी टॉपर को उठा लो। मेरे दोस्त है एम्स में, मेरे दोस्त है अपने BMMC में, ठीक है, 20 टॉप 20 टॉप 30 रैंक्स हैं इनकी, तुम किसी को भी उठा लो, ठीक है, सब ने 14-15 घंटे पढ़ाई की है, एफर्ट डाले, लगानी पड़ती है। तुम लोगों यार कि 10 घंटे भी बहुत होते हैं, 6-7 घंटे पढ़ाई कर ली इससे नहीं, पर तुम्हें 14-15 घंटे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, किसी भी टॉपर को तुम उठा लोगे। मैं डेली के 14-15 घंटे करता था, एंड कुछ कुछ दिन 16-17 घंटे करते हैं, एंड जो हाईएस्ट पर गया था एक दो बार गया था वहाँ पर कि 18 घंटे दिन की पढ़ाई, 18 घंटे दिन की पढ़ाई, एंड लाइक खाना खा रहा हूँ तो साथ में बुक पड़ी हुई है, पानी पी रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, साथ में बुक पड़ी हुई है, पढ़ी जा रहे हैं। यार कोई तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं डालेगा, ठीक है, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना, किसी और को तुम्हें सीट नहीं चाहिए, तुम्हें उस सीट के लिए लड़ना पड़ेगा। अब एक और चीज़ है, बच्चे बोल रहे हैं कि यार कंपटीशन टफ है, 600 मार्क के ऊपर लेके आना है वगैरह। यार देख बात क्या थी, अगर तुम प्रीवियस पेपर चेक करोगे 2008 AAPM के 11-12 के पेपर चेक करोगे, वो अभी के पेपर से रिलेटिवली ईजी थे, फिर भी बच्चों के मार्क्स 36-40 जाते थे। उसका रीज़न क्या है, जो स्टेट बोर्ड के लोग बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते, मेडिकल एंट्रेंस देते थे, वो तब अपने ही देते थे, नीट में इतना फोकस नहीं करते थे। ठीक है, अगर तुम इस साल के नीट के पेपर वो देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, 12 लाख बच्चे हैं, एंड जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो है जो बच्चे केरला के थे। तुम नीट के रिजल्ट देखोगे, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो बच्चे जो केरला के, मेरे रूममेट भी केरला का है, ठीक है, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है यार, क्योंकि वो बच्चे पहले स्ट्रीम में आते नहीं थे। ठीक है, तो ये नहीं कि पेपर ज़्यादा हार्ड हो गया या पेपर ज़्यादा ईजी हो गया, ये बात है कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, अभी एक सीट की लड़ाई होती है, तो तुम्हें अपने गेम प्लान ऐसा रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने आपको फोकस रखना पड़ेगा कि यार कॉम्पिटिशन है, ये नहीं कि तुम डर जाओ, मैं नहीं कह रहा तुम डर जाओ, बस बात है कि फोकस रहना, मतलब जब तुम रिलैक्स हो रहोगे यार कि नहीं कर रहा है, हो जाएगा सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मज़े में, हमने इतने टेस्ट पेपर दिए हैं, टॉप मारा है, बैच में टॉप मारा है, ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर तुम तुमने कितने भी टेस्ट पेपर पे टॉप मारा हो, अगर तुम लास्ट के पेपर में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, जो तुम्हारा मेन पेपर है विच मैटर्स, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे पहले के पेपर कितने टेस्ट कितने मार्क्स आते थे कितने नहीं आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, पर अगर तुम्हारे लास्ट के नीट के पेपर में जो तुम डिजायर्ड परफॉर्मेंस चाहते हो तुम वो नहीं कर पाए, तो यार इट हर्ट्स लॉट, ठीक है, बाद में जाके इट हर्ट्स लॉट, तो यार उसके लिए तुम्हें फोकस रहना है। तो जब तुम्हें रिलैक्स करने मिलते हैं तब यार ऐसा मतलब याद दिलाने के लिए यार कि हम अकेले पेपर नहीं दे रहे, बहुत सारे बच्चे जी जान लगा के पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड यार तुम्हारा कुछ एम होना चाहिए, तुम्हारे पास जैसे मेरे पास एक लिस्ट होती थी जिसमें लिखा था कि यार कि मुझे मैं डॉक्टर बन रहा हूँ क्योंकि ये रीज़न से मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तुम्हारे पास ऐसी कोई लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जब थक जाते हो या पढ़ने का मन नहीं करता है यार, तुम्हें लिस्ट को देखना चाहिए, ये तुमको मोटिवेट करता है कि हाँ यार मैंने इसके लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी और ये मैं करके खत्म करके आगे निकलूंगा। सब कोई भी टॉपर उठा लो, उसके सबके कोई ना कोई मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन के लिए पॉइंट होते हैं, तुम्हारे पास भी होने चाहिए, नहीं तो यार अगर तुम किसी बिना रीज़न के लिए ऐसी पढ़ी जा रहे हो मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास कोई रीज़न होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, लाइक मेडिकल में ताकि तुम लोगों को हेल्प कर सको, ठीक है, सोसाइटी को हेल्प कर सको, इसके लिए तो ये सब बहुत सारे रीजंस होने चाहिए, मेरी भी थे तुम्हारे भी होने चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या मैं कहूँगा यार, तुम जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो उसको टाइमर से चेक किया करो, टाइमर लगा के चेक किया करो,
रीज़न क्या है यार, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे जब लास्ट के दिन आते हैं ना, बहुत टेंशन होती है, मुझे भी होती है। तुम किसी को देख लो यार, अच्छे से अच्छी रैंक वाले वाले जो होते हैं टॉपर, उनको भी टेंशन होती है लास्ट में, ठीक है। पर यार अपनी टेंशन भगाने का एक तरीका होता है, जैसे कि वो चेक करते कि यार मैंने इतने सारे पेपर अच्छे दिए हैं, इतनी रिवीजन की है, तो यार थोड़ी सी अपनी टेंशन कम हो जाती है। मेरा ये तरीका था, मैं अपने घंटे गिनता था, मैंने कितनी घंटे मेहनत की है, पढ़ाई की है। तो रफली जब मैंने ड्रॉप का ईयर लिया था, मैं रफली 3,000 घंटे अराउंड 3,000 आवर्स मैंने स्टडी की थी। तो जब मैंने जब जाने लगा था एग्जाम में, देखा था ये यार इतना एफर्ट डाला है मैंने ड्रॉप के ईयर में, मेरा हो जाना चाहिए। आई नॉट लाइक कि मेरी टॉप 10 रैंक आ जाएगी, टॉप 100 रैंक आ जाएगी, पर मुझे इतना पता था मेरा हो जाना चाहिए। यार अपने आप पर भरोसा करना पड़ता है एंड में, ठीक है। जब एग्ज़ाम में जाओगे फ्रेश जाना, बिना डर के जाना। एंड यार लाइक जैसे मैंने बताया यार, अभी जितने भी दिन बाकी रहेंगे तुम्हें क्या करना है, लाइक 31 डेज बाकी हैं, तुम उनको स्ट्राइक करते रहना है कि 30 डेज बाकी है, 29 डेज बाकी है, 28 डेज बाकी है। यार इससे क्या रहेगा, तुम्हारे पास सेल्फ ऑफ के सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी, ताकि जो भी तुम काम करो तेज़ करो। नहीं तो क्या होता है यार, लगता है मन को कि 30 दिन बाकी हैं यार हो जाएगा, 20 दिन बाकी है हो जाएगा, 10 दिन बाकी है, फिर रियलाइज़ होता है बहुत कम टाइम बाकी है, फिर लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, टेंशन में आया तो फिर उसको अगले साल ही करेंगे। वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब देखते रहना, ध्यान में रखना कितने दिन बाकी हैं एंड स्ट्राइक ऑफ करते रहना। यार ये कोई और तुम्हें ऐसे नहीं बताएगा, हमारे मुझे ऐसी गाइडेंस नहीं मिली थी, मैं जिन भी टॉपर से बात की प्यार से बता दिए थे ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, यार पर ऐसे कोई नहीं बताता। तुम्हें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, मैं तो बोलता रहूँगा पर तुम्हें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना रहेगा। तो यार अभी थोड़ा अच्छा वगैरह खाना, ठीक है, हेल्दी फूड्स खाना, लाइक साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं पर पता नहीं, जब मैं लास्ट के महीने में मैंने सिर्फ लाइक हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस ये सब किया था, खाया था, तो यार चेहरे पर अलग सी फ्रेशनेस आ जाती है, ठीक है, लाइक तुम मोर फ्रेश फील करते हो, मोर कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो यार जंक फूड से इतना दूर रहो, अच्छा है फ्रेश फूड ज़्यादा खाना। दूसरी चीज़ है, मैं तुम्हें कहूँगा यार डेली एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज करना, स्किपिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी करना। मैं भी करता था लाइक मैं हर दिन सुबह 1 घंटा साइकिलिंग जाता था। यार इससे फ़ायदा क्या होता है, अभी तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में, मैं तो बहुत, तुम्हारा पता नहीं पर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आता था। तो यार लाइक ये स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत अच्छा टूल है फिजिकल एक्टिविटी करना। बहुत टेंशन में आ जाओगे यार, इतने पेपर टफ है या नहीं है, क्या है पेपर कैसा होगा वगैरह वगैरह, लाइक इतना मुझे सिलेबस पढ़ना है, इतना बाकी रह गया, ये सब टेंशन बहुत सारी होती है। तो मैं कहूँगा कि यार डेली फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करना, आधा घंटा 1 घंटा जितना इम्पॉसिबल हो करना। एंड यार पेपर कैसा आने वाला है उसके डर से पढ़ाई मत करना, ठीक है। अपने आप को, अपने तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे सारे फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए, सारे क्या कहते हैं केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन तुम्हें याद होने चाहिए। ये इस चीज़ पे फोकस करना, इस डर में मत बैठना कि पेपर कैसा आएगा। अच्छा आएगा, ईजी आएगा, बहुत सारे मार्क्स स्कोर करोगे, हार्ड आएगा तो यार कम मार्क्स स्कोर करोगे, पर ये सबके लिए सेम कहानी होगी। तो लाइक मार्क्स में मत जाना, डिपेंड करता तुम्हारे रैंक पे जाना कि यार रैंक क्या आ रही है, ठीक है। इसमें मत फोकस करना कि पेपर कैसा आने वाला है। एंड लास्टली तुम्हें कहूँगा यार अपने आप पे फोकस करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, एंड तक कॉन्फिडेंट रहना। एंड लाइक कोई भी कसर मत छोड़ना, 2 साल घिसे हैं, 2-3 साल तुमने घिसे हुए हैं और घिस लो, बस तो 1-2 महीने की बात है, उसके मजे हैं, ऐश ऐश है, ठीक है। एंड कोशिश करना मेरे कॉलेज में आने की, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज बहुत मस्त कॉलेज है, यहाँ पर आने की कोशिश करना। एंड फिर मिलते हैं अगले साल, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।